हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फाइनली दोस्तों, अब तक आपने जो है रॉयल इनफील्ड के अंदर में उनकी हिमालयन देखी है, हिमालयन 450 देखी है। लेकिन दोस्तों, अब एक और बाइक आपको जो है बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में रॉयल इनफील्ड की तरफ से मिलने वाली है। और ये बाइक जो है ये 450 नहीं बल्कि 650 इंजन के साथ में आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, रॉयल इनफील्ड ने ठान लिया है कि वो हिमालयन में आपको इतने सारे मॉडल देने वाला है कि अब जो है आपको एक नई 650 सीसी में भी आपको हिमालयन देखने को मिल जाएगी। अब तक दोस्तों हमने गोरिल्ला देखी थी जो कि 450 आई है, लेकिन दोस्तों उसी के साथ में हमें हिमालयन की पहले वाली जो बाइक है 450 411 वैसे बताते हैं उसको, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 451 सीसी का इंजन नहीं बल्कि आपको 650 सीसी का इंजन जो है देखने को मिल सकता है। काफ़ी टाइम पहले जो है रॉयल इनफील्ड ने अपनी फैमिली ट्री के अंदर में ये दिखाया था कि रॉयल इनफील्ड जो है अपनी 650 सीसी वाली हिमालयन को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, और इसके रेंडर इमेजेस भी आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि rushlane.com पर जो है इसके रेंडर इमेजेस लीक हुए हैं। और देखा यह गया है दोस्तों, rushlane इंडिया की तरफ से जितने भी रेंडर अब तक हमने देखे हैं, चाहे वो रॉयल इनफील्ड बाइक के हो या और किसी कंपनी के हो, वो काफ़ी हद तक जो है सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी जो है rushlane इंडिया ने यहाँ पर जो है 650 सीसी की हिमालयन का जो है रेंडर इमेजेस लीक हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है उनके द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है गुड लुकिंग जो है यहाँ पर रेंडर इमेजेस जो है आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये बाइक हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी हो सकता है कि इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक दोस्तों देखने में आपको सिमिलर देखने को मिल सकती है जैसे कि हिमालयन 450 में आपको देखने को मिलती थी, वैसे ही जो है आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी हैवी जो है, काफ़ी बल्की जो है ये बाइक आपको देखने को मिल सकती है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। मैं कहूँगा कि अब तक की रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग जो बाइक रहने वाली है दोस्तों, वो सुपर मीटियोर के बाद जो मुझे लगेगी वो डेफिनेटली जो है ये बाइक रहने वाली है, जो कि 650 सीसी में हिमालयन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी इंडियन मार्केट में 650 सेगमेंट में जो प्रीमियम कंपनी है उनके पास जो है 650 इंजन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है, जैसे कि कावासाकी के पास उनकी 650 सीसी में है, और यहाँ पर जो है बेनेली के पास उनकी TRK है जो 502 है, वो भी जो है कहीं ना कहीं गुड लुकिंग और काफ़ी अच्छी जो है बाइक देखने को मिलती है। लेकिन अब रॉयल इनफील्ड की भी बाइक जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है दोस्तों। इस बाइक के अंदर में आपको वही सेम इंजन देखने को मिल सकता है जो कि अब तक आपको बाकी 650 सीसी लाइनअप में देखने को मिलता था, जैसे कि इंटरसेप्टर 650 हो गई या फिर हमारी सुपर मीटियोर हो गई 650 या GT 650 हो गई, उनके मुकाबले में वही सेम इंजन देखने को मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर इसके साथ में छिड़ाखानी कर सकती है रॉयल इनफील्ड, यानी कि थोड़ा टॉर्क ज़्यादा कर देगी और जो है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है आपको इस इंजन में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये इंजन काफ़ी अच्छा है, इसी के साथ में दोस्तों और भी काफ़ी सारे फीचर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि मीटर कंसोल आपको सेम देखने को मिले जो कि आपको 450 हिमालयन के अंदर में देखने को मिलता था, वो मीटर कंसोल भी बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि ऐसा ही मीटर कंसोल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। ATP बाइक रहने वाली है तो LED का पूरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है, हेडलाइट देखने को मिलेगी। अभी तो रिसेंटली जो है रॉयल इनफील्ड ने 350 के अंदर में जो कि क्लासिक 350 उसमें टोटली जो है फुल्ली LED का सेटअप जो है आपको देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी रॉयल इनफील्ड 650 के अंदर में आपको फुल्ली जो है LED का सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसमें TFT स्क्रीन भी जो है आपको देखने को मिलेगी, वही मैंने आपको सेम बताया, जिसमें 10x10 का गूगल मैप वगैरह सेटिंग सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। रही बात दोस्तों क्या कुछ नए फीचर देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है टोटली जो है इस बाइक में आपको कलर वेरिएंट बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं अब तक के हिमालयन के अंदर में, जो कलर आपको 450 में नहीं देखने को मिलते इस बाइक में आपको नए कलर जो है देखने को मिल जाएंगे। अब हालांकि ये किस नाम से इन कलर को लेकर आते हैं वो तो देखने को बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों ये बाइक आपको हो सकता है कि इस साल तो नहीं, मे बी ये आपको जो है अगले साल 2025 तक जो है आपको देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी लंबा जो है मैं कहूँगा इंतज़ार रहने वाला है इस बाइक का। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो तो रॉयल इनफील्ड जो है 650 में कुछ तो लेकर आ रहा है जिसके रेंडर इमेज यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं।
648 cc का वही इंजन रहने वाला है जिसमें आपको 46 हॉर्स पावर और 52 Nm का टॉर्क जो है आपको देखने को मिलेगा। ADP रहने वाला है फुल्ली, जो है आपको ABS वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है इसमें। काफ़ी अच्छी जो है ये बाइक लगने वाली है और स्पोक व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे और जो इसके टायर होंगे वो आपको फुल्ली जो है मैं कहूँगा मड ट्रेन ऑफ रोडिंग के मामले में बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर टायर आपको जो है निकल के आने वाले सामने। और ये बाइक आपको कैसी लग रही है दोस्तों, इसके रेंडर इमेजेस कैसे लग रहे हैं नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बाइक रिलेटेड अपडेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो।